डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपने एनालिसिस के बाद ही करना है, मार्केट रिस्की है तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। मैं सबसे पहले जो न्यूज कवर कर रहे हैं वो है बिटकॉइन की प्राइस के बारे में। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन की जो करेक्शन है वो कंटिन्यूस है, और इस बात पर यहाँ पर ये न्यूज की अगर बात माने तो उनके अकॉर्डिंगली जितने भी एनालिस्ट हैं वो ये देख रहे हैं कि अगर बिटकॉइन 59,000 यानी कि 59,000 तक को भी छू जाता है तो भी कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी वरी करने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक हेल्दी करेक्शन होगी जो कि एक रिक्वायर्ड चीज होती है किसी भी मार्केट के अंदर अगर उसको अप डाउन जाना है तो। आपको भी पता होगा अगर आप किसी भी चीज को सीधा फेंकेंगे तो वो लेट पहुंचेगा बजाय अगर उसको ऊपर नीचे करके फेंकेंगे, ये आपने पहले भी बहुत जगह वीडियो देखा होगा। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि भाई बिटकॉइन अगर ऊपर ही जाता रहेगा तो धीरे जाएगा, लेकिन अगर करेक्शन लेगा और करेक्शन के बाद ऊपर जाएगा तो वो बहुत बढ़िया और बहुत जो एक स्ट्रांग तरीके से यहाँ पर अपनी जो ऑल टाइम हाईज अगेन होंगी उनको अचीव करेगा। अगर अगली न्यूज की बात करें तो वो भी सेम है, कहा यही जा रहा है कि जो ये जो डिप्स आ रहे हैं ट्रांजिटरी हैं, आते जाते वाले जो यहाँ पर डिप्स है वही देखने को मिल रहे हैं, जल्दी ही बिटकॉइन जो है वो $75,000 का जो आंकड़ा है उसकी तरफ जाएगा, और ये भी वही रीजन दे रहे हैं जो हमने यहाँ पर पिछली न्यूज में देखा है। तो अब यहाँ पर आपको करेक्शन से परेशान होने की जरूरत नहीं है, उल्टा अगर आपको डिप में बाय करने का मौका मिल रहा है तो आप डिप में बाय कर सकते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर सोलाना के जो कोफाउंडर है उनकी तरफ से आ रही है, उन्होंने एक ट्वीट के रिप्लाई में कहा कि हम कभी भी अपने आप को इथेरियम क्लियर नहीं मानते हैं, इथेरियम बहुत बढ़िया जो ब्लॉकचेन है वो है, टेक्नोलॉजी बहुत अलग है, यूनिक है, तो हम उसको कभी भी किल नहीं करना चाहेंगे। अगर लोग हमें इथेरियम किलर कहते भी हैं तो हमने कभी ऐसा प्लान आउट नहीं किया है। उनके अकॉर्डिंगली हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हर आदमी या हर इंसान जो है यहाँ पर वो वेब के 3.0 के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एड ऑन हो जाए, सो दैट कि उसको हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उससे उसकी लाइफ ईजी कर सके। हमारा सिर्फ यही प्लान है, हम इथेरियम को यहाँ पर किल करने नहीं आए हैं उनके अकॉर्डिंगली। तो अगली न्यूज में इथेरियम का जो पैटर्न बन रहा है, सेंडिंग चैनल पैटर्न जो बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अभी भी जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इथेरियम के लिए 5,000 की वैल्यू का जो आंकड़ा है उसको अभी भी टारगेट पे रखे हुए हैं। उनके अकॉर्डिंगली जल्दी ही इथेरियम ये 5,000 का आंकड़ा जो है उसको अचीव करके उसके ऊपर जाएगा। अगली न्यूज यहाँ पर DCG माइनिंग की जो सब्सिडियरी है फाउंड्री, वो अब रेंज ऑफ सर्विसेज यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं। वो 20 क्रिप्टो करेंसीज की स्टेकिंग और उनकी जो एक तरीके से इंश्योरेंस है उसको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं वो इन सभी की कस्टमर्स को। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि भाई जो स्टेकिंग का फीचर है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर क्यों ऑप्ट किया उसको, उनके अकॉर्डिंगली जो इंस्टीट्यूशन है वो बाय इन कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को, तो उनको स्टेक करने के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म देने के लिए यहाँ पर ये सब्सिडियरी जो है DCG की फाउंड्री वो सामने आई है, और उन्होंने यहाँ पर इस सर्विस का जो अपना जो कंपनी का नाम है वो फाउंड्री स्टेकिंग रखा है। अगली न्यूज की बात करें तो ट्विटर ने भी अपनी एक डेडिकेटेड टीम जो है वो रख दी है जो फोकस करेगी टोटली क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के ऊपर। अब ये जो एक काम है वो ट्विटर काफी देर से कर रहा है कंटिन्यूसली, वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर जो पूरी एनालिसिस है, या ये कहें कि हमने पूरी टीम बिठाकर उसने काम पहले भी किया है, और अब उन्होंने ऑफिशियली अपनी टीम को एक्सपेंड किया है और उसी के साथ साथ इन चीजों के अंदर अपनी पूरी डेवलपमेंट और R&D की टीम जो है वो बिठाई है, और आने वाले टाइम पर वो क्रिप्टो के रिलेटेड काफी सारा काम करने में सक्षम होंगे और वो इसमें आएंगे भी आगे। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट, कैसी लगी जरूर बताइएगा और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया अभी तक, और मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। साल 2009 जनवरी की है बात, क्रिप्टो करेंसी की नई शुरुआत, दुनिया अनजान थी ता कितनों को ज्ञानी के बिटकॉइन फेर देगा पूरा इतिहास।